सिर्फ आपके सिस्टम को मेंटेनेंस के लिए यूज किए जाते हैं, जहाँ से हम लोग अपने सिस्टम को मेंटेन कर सकें। हमें अपने सिस्टम के अंदर अगर कोई चीज़ गलत आ गया, उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, उसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है, तो उन सबको हम लोग क्या बोलते होते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम बोलते हैं। सेट ऑफ प्रोग्राम दे परफॉर्म मेंटेनेंस टास्क, वो प्रोग्राम जो आपके पास क्या करते हैं, मेंटेनेंस के लिए हम लोग यूज कर रहे थे। दे परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंप्यूटर, ये क्या करते हैं, बेसिकली एक स्पेसिफिक टास्क या एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो सिर्फ क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर मैनेजमेंट के लिए यूज किए जा रही होती है। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम, डिफरेंट काइंड ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं आपके पास, ड्राइवर्स हो गए, बैकअप सॉफ्टवेयर हो गया और एंटीवायरस हो गया। सबसे पहले हम लोग ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं यूटिलिटी प्रोग्राम की, सीसी क्लीनर है, रिसाइकल बिन है, जिप फोल्डर है, आपके पास ये सारे के सारे क्या है, यूटिलिटी। अब सीसी क्लीनर है, सीसी क्लीनर का एक ही काम है आपके फाइल, आपके सिस्टम को मेंटेन करना, उसमें जो भी टेम्परेरी फाइल्स हैं उनको रिमूव करना। रिसाइकल बिन का भी क्या है, एक ही मकसद है, आप जो भी चीज़ डिलीट करते हो वो अपने पासवर्ड में सेव रखनी होती है। अब नेक्स्ट है ड्राइवर्स। हमारे पास ड्राइवर क्या आते हैं, दे एक्ट एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन द कंप्यूटर एंड द हार्डवेयर। ये बेसिकली क्या करते हैं, ट्रांसलेटर के तौर पर यूज कर रहे थे बिटवीन द कंप्यूटर एंड द हार्डवेयर। अब इन सिंपल, मैं अपने कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड अटैच कर देती हूँ, कीबोर्ड अटैच कर देती हूँ, लेकिन मेरा कंप्यूटर कीबोर्ड को नहीं अंडरस्टैंड कर सकता, अब कीबोर्ड जो है वो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो कैसे वर्क करेंगे। दरमियान में कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो इन दोनों की जो मेन चीजें हैं उन सबको ओवरलैप कर दे, उनकी वर्किंग को समझ के उस अगर कीबोर्ड से कोई एक्शन आ रहा है उसको कन्वर्ट करे सिस्टम के लैंग्वेज में, अगर सिस्टम से आ रहा है तो उसको कीबोर्ड की लैंग्वेज में कन्वर्ट करे और उसको ट्रांसलेटर के तौर पर हम लोग यूज करते हैं। इन सिंपल जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपका कोई दोस्त है वो चाइनीज है, अब चाइनीज आपको नहीं आती, उसको उर्दू नहीं आती, आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहो लेकिन एक दूसरे की बात समझ नहीं पाओगे कि वो क्या बोल रहा है आप क्या बोल रहे हैं, तो दरमियान में आपको क्या चाहिए, एक ट्रांसलेटर चाहिए जो क्या करे, आपकी लैंग्वेज को चाइनीज में कन्वर्ट करे और चाइनीज लैंग्वेज को आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, ताकि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो ड्राइवर का भी बेसिकली यहाँ पे यही काम होता है कि वो बेसिकली कंप्यूटर और हार्डवेयर के दरमियान एक ट्रांसलेटर के तौर पर यूज हो रहा होता है। When we attach a new hardware like printer or mobile phone, the hardware of our computer and the devices may not understand it. अब वही एग्जाम्पल के तौर पर जस्ट मैंने आपको पहले चाइनीज और आपके आपका फ्रेंड चाइनीज है, तो आपको ट्रांसलेट नहीं ट्रांसलेटर आपको रिक्वायर होता है, तब आप लोग वो ट्रांसलेट करके देते हैं तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर वो ना हो, आप लोग आपस में लगे रहो, आप ना उसको आपकी बात समझ आएगी ना आपको उसकी बात समझ आएगी, तो ये इससे आप ना उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी ना आपकी अंडरस्टैंड कोई चीज़ होगी, तो इसलिए बीच में ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड होता है। इन दिस केस वी यूज अ डिफरेंट ड्राइवर्स और डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स कैन वर्क टू, हम लोग कुछ भी ऐसे भी यूज करते हैं, कोई ट्रांसलेटर ऐसा रख, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप ट्रांसलेटर ऐसा रख रहे हैं जैसे अरबिक भी आती हो, चाइनीज भी आती हो, इटालियन भी आती हो, तो आप लोग उस एक ही बंदे से डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख भी सकते हो और डिफरेंट लैंग्वेज को ट्रांसलेट भी कर सकते हो। तो इसी तरह यहाँ पे भी हो सकती है, डिफरेंट ड्राइवर होते हैं, डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, उनको सबको एट अ टाइम हम लोग एक कंबाइन करके वर्क कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि हम एक एक्शन परफॉर्म करें फिर दोबारा ड्राइवर इंस्टॉल करें दोबारा उसको यूज करें। फिर आते हैं बैकअप सॉफ्टवेयर। आजकल हमारी लाइफ में तो बैकअप सबसे ज्यादा जरूरी होता है, हम लोग हर चीज का बैकअप रख रहे होते हैं, जैसे आपको मोबाइल फोन में होता है कि आप लोग बैकअप ऑन कर देते हो, ताकि अगर आपके मोबाइल फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश भी कर जाए तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी सेव रहे, अगर आपकी पिक्चर्स हैं वो डिलीट भी हो जाए तो वो भी सारी की सारी क्या हो, सेफ रहें। बैकअप सॉफ्टवेयर इज यूज टू टेक अ बैकअप ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा और इवन प्रोग्राम इंस्टॉल। हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है अपनी वो स्टोर कर लेते हैं, और साथ में जो भी कोई प्रोग्राम इंस्टॉल किया होता है उसका भी हम लोग क्या करते हैं, बैकअप ले लेते हैं। वी कैन क्रिएट इमेज ऑफ आवर सिस्टम एंड इफ द सिस्टम क्रैशेस वी कैन रन द इमेज एंड स्टोर आवर डेटा। हम लोग क्या करते हैं कि उसका एक इमेज क्रिएट हो जाता है, जो भी आप लोग इन्फॉर्मेशन होती है उसका एक कॉपी कह सकते हो, एक इमेज जो होता है वो अपने पास सेव रख लेते हो। अब जैसे आपका सिस्टम अगर क्रैश कर गया तो आप उस इमेज को दोबारा से अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करोगे तो आपको सारे की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी क्या होगी, आपको रिट्रीव हो जाएगी। बैकअप इज डिफरेंट फ्रॉम द अचीवर। बेसिकली जो बैकअप है ना, ये अचीवर से डिफरेंट होता है। इट इज द सेकंड कॉपी ऑफ डेटा विच इज स्टोर्ड फॉर सेफ्टी पर्पस। अचीवर्स में क्या होता है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन होते हैं अचीव करना चाहो वहाँ से अचीव कर देते हो और वहाँ से डिलीट करो तो आपकी इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाती है। लेकिन बैकअप क्या होता है, ये बेसिकली होती है सेकेंड कॉपी। ये हम लोग किस काम के लिए रखते हैं कि अपने डेटा को सिक्योर किया जाए, अपनी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर कर सके सेफ्टी पर्पज़ के लिए, कि अगर हमारे पास खुदा ना खास्ता अगर मेरा सिस्टम क्रैश कर भी जाता है तो मेरे पास जो मेरा इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं तो सेफ पड़ी हो, उसका डेटा पड़ा हो, उसको हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, ये हमारे पास बैकअप है। एंटीवायरस, उसके बाद हमारे पास आते हैं एंटीवायरस। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपके सिस्टम में कोई वायरस आ जाता है, तो वायरस बेसिकली क्या कर रहा होता है, वायरस इज अ डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम डेट कैन डैमेज अ सिस्टम। वायरस हमारे सिस्टम को डैमेज कर रहा होता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेज होते हैं,
उनके डिफरेंट अटैक्स होते हैं, कभी आपका सिस्टम स्लो हो जाता है, कभी आपके पास वो सिस्टम पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ फोल्डर्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपके सिस्टम में वायरस आ गया तो आप हमारे पास कोई ऐसी सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए जो हमारे सिस्टम को उस वायरस से प्रोटेक्ट भी कर सके, अगर आ भी गया तो उसको हमारे सिस्टम से रिमूव भी कर सके। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीवायरस है। तो एंटीवायरस हमारे को बेसिकली हमें क्या कर रहे थे, वायरस से प्रोटेक्ट करवा रहे थे। टू सिक्योर अवर सिस्टम फ्रॉम वायरस वी यूज एंटीवायरस। अपने सिस्टम को सिक्योर करने के लिए हम लोग यूज कर रहे होते हैं एंटीवायरस। एंटीवायरस कैन प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम द वायरस एंड द अदर मेलवेयर। एंटीवायरस क्या कर रहा होता है, आपके अदर सिस्टम्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है फ्रॉम द वायरसेस एंड द मेलवेयर। सम कॉमनली यूज एंटीवायरस, कुछ कॉमनली यूज एंटीवायरस हैं, हमारे पास अवास्ट एवीर है, मैकफी है एंड एएफजी है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग एंटीवायरसेस के। ये मैकफी आप लोगों ने बहुत दफ़ा यूज़ किया होगा, नॉर्टन वायसमेंटिक अवास्ट है, ये हम मोस्ट प्रॉबली यूज़ कर रहे होते हैं एंटीवायरस के तौर पर। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी टाइप है वो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टूल्स। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टूल हेल्प टू क्रिएट डिबग एंड मैनेज द अदर सॉफ्टवेयर। बेसिकली ये जो है, ये हम लोग जितने भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो किसी ना किसी प्रोग्राम टूल के अंदर ही क्रिएट कर रहे हैं ना, ऐसा तो क्रिएट नहीं कर सकते हो। अब उन टूल्स को हम लोग क्या करें कि ये हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टूल्स हैं जो हमारे पास क्या करें, क्रिएट करने में हमारी मदद करें, डिबग करने में मदद कर रहे हैं और उसको मैनेज कर रहे हैं कि अदर सॉफ्टवेयर जितने भी हैं उनको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, उनकी कैसे अपडेशन को अपडेशन दे सकते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन सेव करवा सकते हैं, कैसे उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं। जिस तरह आपके पास आप सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे व्हाट्सएप पर डे बाई डे चेंज हो रही होती हैं, अपडेशन आ रही होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग क्या कर रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टूल्स में यूज कर रहे होते हैं। वंस यू कैन डेवलप अ न्यू सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन बाई यूजिंग द कंप्यूटर। आप हम क्या करते हैं, अपने कोई भी न्यू सॉफ्टवेयर क्रिएट करना हो, कुछ भी करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टूल की मदद से क्रिएट कर रहे होते हैं। देर आर सर्वर सच टूल्स अवेलेबल, हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कंपाइलेशन इनकी टूल के लिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे होते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के साथ हम लोग डेटाबेस कनेक्ट भी कर सकते हैं, हम लोग एक्सेल शीट्स कनेक्ट कर सकते हैं, नोट पैड कनेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, और हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो पे अपनी बहुत सारी वेबसाइट्स क्रिएट कर रहे होते हैं, फॉर्म क्रिएट कर रहे होते हैं, गेम्स क्रिएट कर रहे होते हैं, डिबगर्स लाइक क्लिप्स है, आपके पास क्लिप्स आ जाता है, जो भी सॉफ्टवेयर है प्रोग्रामिंग टूल के लिए यूज़ किया जाता है। स्क्रिप्ट लैंग्वेज लाइक पीएचपी है, आपके पास एक लैंग्वेज है स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, उसको पीएचपी बोलते हैं। अब यहाँ पे ये पीएचपी आपके पास मोस्ट प्रोबली आपकी वेबसाइट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। आप लोग जितनी भी वेबसाइट्स देख रहे होते हैं या किसी भी वेबसाइट पर जाते हो, वो सारी की सारी भी वेबसाइट में पीएचपी यूज़ हो रही है।